में तस्वीर पर सियासी तकरार जारी है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए। बाबा साहेब के साथ नेहरू सरदार पटेल की तस्वीर लगाने की मांग की गई और सदन में तीनों महापुरुषों की तस्वीर लगाने की मांग कांग्रेस विधायकों ने उठाई है। उन्होंने कहा, विधानसभा शुरू होने से पहले भी परिसर में हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने महापुरुषों की तस्वीरें लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने नेहरू, गांधी, अंबेडकर और सरदार पटेल, इन सब की तस्वीरें लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और नेहरू की तस्वीर सदन से हटाने को लेकर ये सभी नेता विरोध कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई कांग्रेस के विधायक बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगा रहे थे। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक इस समय रघुपति राघव राजा राम का भजन कर रहे हैं और ये भजन हो रहा है गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे। और देखें, कांग्रेस विधायक दल के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं और हाथ में तस्वीर है। एक तस्वीर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों तस्वीर लेकर कांग्रेस विधायक दल इस समय बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष साथ में है। सर, ये जो मांग क्या की जा रही है? मांग ये की जा रही है कि जो महापुरुष देश में रहे, जिन्होंने देश को निर्माण में अपनी भूमिका अदा की है, उन्हें भी सबको सम्मान के रूप में सबकी तस्वीरें होना चाहिए, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भाजपा एक सोची समझी साजिश के तहत नेहरू के विचारों को, उसकी विचारधारा खत्म करना चाहती, इसलिए विरोध है। नेहरू जी की तस्वीर सदन से बाहर की गई, आप तीन तस्वीर लेकर बैठ गए यहाँ पर। जी, तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विचारधारा खत्म करने की भाजपा की साजिश है। तस्वीर से इन्हें कोई मतलब नहीं, इनको विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू के सोच को, विचारों को खत्म करना चाहती। तो मांग क्या है साहब, तीनों तस्वीर लगेंगी? बिल्कुल जी, तीनों तस्वीर लगना चाहिए। तीनों महापुरुष हैं, तीनों का इस भारत की आजादी से लेकर, संविधान बनाने से लेकर, भारत के नवनिर्माण से लेकर, तीनों नेताओं का एक अहम योगदान भारत की राजनीति में रहा है। तीनों की तस्वीर मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगनी चाहिए। आपको लग रहा है कि अब डिमांड पूरी हो जाएगी? हमारी मांग है, हमारी प्रार्थना है। मांग है और प्रार्थना है। कैसा आप लग रहा है कि तीनों तस्वीर सदन के अंदर पहुंच जाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी में संघ के लोगों ने नाखून तक नहीं कटाया और आज वो नेहरू जी और अंबेडकर जी की प्रतिमा छाया चित्र की बात करते हैं। इन नेहरू जी, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, तस्वीर अंदर पहुंच जाएंगी? तस्वीर लगनी चाहिए, नहीं लगेगी तो हम लोग सब मिलकर अपने हाथ से कील ठोकेंगे और नेहरू जी की तस्वीर लगाएंगे। बाबा साहब हमारे कहाँ कील ठोकेंगे? हम जहाँ पर लगी हुई थी वहीं जाकर के विरोध दर्ज कराएंगे। तो इस समय देखें, जो नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस विधायक हैं, वो तस्वीर लेकर यहाँ पर बैठे हैं और मांग की जा रही है कि तीनों तस्वीर सदन के अंदर होना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में तस्वीर पर सियासी तकरार जारी है। नेहरू, पटेल और अंबेडकर की तस्वीर लेकर कांग्रेस विधायक सदन के अंदर पहुंचे और नेहरू की तस्वीर ले जाने पर कांग्रेस विधायक अड़ गए। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस विधायकों को रोका। नेहरू, अंबेडकर की तस्वीर कांग्रेस विधायक से वापस ले ली गई। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। की तस्वीर को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और इन सबके बीच आप ये देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा के परिसर के अंदर तस्वीर लेके पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और तमाम जो उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लेकर पहुंचे हुए हैं और अंदर जाने के लिए, यानी सदन के अंदर जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आगे जो सुरक्षा गार्ड वहां पर लगे हुए हैं उन्होंने रोक दिया गया है। उनकी तरफ से अंदर तस्वीर लेके नहीं जाने दिया। जरा आपको बता दें सर, सदन विधानसभा अध्यक्ष जहां पर बैठते हैं उसके पीछे, यानी आसंदी के पीछे तस्वीर लगी हुई थी। वहां पर महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो उनकी तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई गई और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई और उसी सबके बीच
कांग्रेस के विधायकों का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गांधी जी की प्रतिमा पर पहले पहुंचे कांग्रेस विधायक, वहां पर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि विचारधारा खत्म करने की एक साजिश है बीजेपी की तरफ से, और उनकी मांग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी लगी रहे लेकिन जवाहरलाल नेहरू की भी तस्वीर लगाई जाए। और उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है वो अंदर प्रयास करेंगे अंदर यहाँ पर अंदर जाने दिया जाए, और लेकिन जो सुरक्षा गार्ड है विधानसभा के वो यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को धकेलते हुए नजर आ रहे हैं और अंदर नहीं जाने दिया है, तस्वीर नहीं ले जाने दी जा रही है। और कांग्रेस के यहाँ पर जितने भी विधायक हैं उनकी कोशिश यही है कि सदन के अंदर वापस जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर ले जाई जाए और वहाँ पर लगाई जाए। बता दें अभी इसको लेकर प्रोटोम स्पीकर गोपाल भार्गव से भी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर किसी कारण से निकाली गई, क्योंकि जिस दीवार पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी वहां पर सीलन था, इसके कारण जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर निकाली गई और उसको सदन में ही जहां पर पुस्तकालय है वहां पर शिफ्ट किया गया, वहां पर तस्वीर लगाई। लेकिन इन सबके बीच आप देख सकते हैं यहां पर धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के जो सुरक्षा गार्ड है वो यहां पर सदन के अंदर वो यहां से हटाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को, और उनसे जो तस्वीर लेकर आए हैं उनको प्रयास किया जा रहा है कि ली जाए। और यहां पर आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर भी देख सकते हैं क्या हाथों में है कांग्रेस विधायकों की। तो एमपी विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने के बाद से सियासत जारी है। आज कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया और उसके बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर की तस्वीर को सदन में ले जाने पर अड़ गए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सदन के अंदर तीनों महापुरुषों की तस्वीर लगानी चाहिए। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर विधानसभा शुरू होने से पहले की है और जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया गया, और दूसरी तस्वीर सदन के अंदर महापुरुषों की तस्वीर ले जाने की है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीर हटाने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी आग बबूला है और कांग्रेस के तमाम विधायक उमंग सिंघार के नेतृत्व में एक बार फिर से वहां पर पंडित नेहरू की तस्वीर को स्थापित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इसको लेकर सुरक्षा गार्ड उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं।